मित्रों, ये बहुत बड़ा अभियान है और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। वी आर द लार्जेस्ट एंड वी आर द फास्टेस्ट एंड इफ दिस इज द फास्टेस्ट द पाथ विच वी हैव टेकन, वी आर टेकिंग इट दैट पाथ, उसी रास्ते को हम लेकर के चले। मित्रों, वैक्सीन पर बहुत राजनीति हुई है। आज के दिन मैं उन राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पहले कहा गया कि वैक्सीन लगाने की में हेजिटेंसी होगी, तीसरा मेडिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। कई नेताओं ने तो कह दिया कि वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज गिनी पिग्स, किसी ने कहा वी आर नॉट रैट्स, इस तरीके की शब्दावली बोल करके भारत के इस महाअभियान को, इस पर रुकावट लगाने का काम उन लोगों ने किया है। और हम जानते हैं कि विपक्ष का काम अटकाना, भटकाना, लटकाना यही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की 130 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सब लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े हैं। और मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने आप को गिनी पिग्स कहा, वो आप आज वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो उनका मन बदला, आत्मा बदली, दिल बदला, क्या बदला? मित्रों, ऐसे पवित्र काम में भी राजनीति करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूँ। किसी भी दवाई को पूरे फुल स्विंग में प्रोडक्शन में आने में 8 से 9 महीने लगते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 महीने में वैक्सीनेशन को एक नहीं दो दो इंडिजिनस वैक्सीन दी है। और दुनिया में जो टॉप 10 देश हैं जिन्होंने ट्राई किया, उसमें से 7 देशों में भारत आता है जिसने अपनी वैक्सीन प्रोड्यूस की है, उसको हमको समझना चाहिए।